हेलो दोस्तों, एनएनएन मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलू की चिप्स, जो जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए हमने लिए हैं 3 आलू। उसको धो लेंगे और धो करके पानी में ही आलू का चिप्स काटेंगे। देखिए कैसे हम काट रहे हैं। उसको पानी में ही डालेंगे, इससे वो काला नहीं पड़ता है। ये जो लाल लाल है, ये लाल आलू है, इसे सरा हुआ ना समझें। उसके बाद इसको हम फिर प्लेन वाला भी काट लेंगे, फिर उसको धो लेंगे, फिर से एक और बार फिर दूसरा पानी लेकर धोएंगे। फिर उसको हमने चादर पे, बेड पे ही चादर बिछाकर पंखे के नीचे सूखने के लिए दे दिया है। कुछ देर में इसको हल्के हाथ से दाब दाब करके उसका पानी को पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, उलट पलट कर करके सुखाएंगे। मेरा बेटा और बेटी दोनों हेल्प कर रहे थे सुखाने में। फिर सूख जाएगा, फिर उसको तेल गरम करके तल लेंगे। और उसमें डालने के लिए हम सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला को मिक्स कर लिए हैं। फिर इसको तेल में तल लेंगे। तेल पूरा गर्म होना चाहिए। उसको उलटते पलटते लाल कर हल्का हल्का ब्राउन होने तक तल लेंगे। फिर उसको निकाल लेंगे। फिर इसी तरह करके हमने सारे चिप्स को तल लिया। फिर उसे एक प्लेट में रख करके उसमें सारे मसाले बुरक देंगे, छिट देंगे। और फिर देखिए ये हमारे चिप्स की कुरकुरी बनी है और ये खाने के लिए तैयार है। थैंक यू।